Hi everyone, my name is Mariana. Welcome to Mimi Fam. Let's begin. Christmas tree. Been wondering just what you mean to me. Oh, still drive me crazy. Tradition we celebrate. गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल है आपकी? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो आज का व्लॉग देखिए, डेफिनेटली अच्छे होने वाले हैं। आज अचार बनाने के प्रोसेस में तीसरा दिन है। आज मैं उसको नमक एंड हल्दी लगा के रखने वाली हूँ और एक दिन इसे छोड़ देंगे अराउंड 24 आवर्स के लिए। कल शाम तक हम इसको तड़का लगाएंगे और मेरा प्लान है कि अचार की पूरी वीडियो मैं मेरे कुकिंग चैनल पर अपलोड कर दूँगी ताकि आपको आसान रहे और सिर्फ मुद्दे की चीज़ आप देख पाएँ, क्योंकि व्लॉग में देखेंगे तो 4 दिन तक हमारा अचार पूरा नहीं होगा। और यस, आज ये काम किया है मैंने। आज बहुत ही ज़्यादा लेज़ी किस्म का दिन है, ग्लूमी दिन है। हिम्मत का स्कूल था और हिम्मत का बहुत सारा ऐसा होमवर्क असाइनमेंट्स है जो आज हमें फिनिश करनी है। मोस्टली आर्ट वाली हैं और कुछ वर्ड्स वाली हैं, और हिम्मत को मैं लेटर की प्रैक्टिस भी करवाने वाली हूँ। और आज ज़्यादा मेजॉरिटी मेरा समय हिम्मत के काम में निकलेगा। एंड समय क्या हुआ है, हिम्मत का स्कूल ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, 2 बज गए ऑलरेडी। अभी मैं अपना मेल बॉक्स चेक करके आई हूँ, क्योंकि जो भी हमने सामान ब्लैक फ्राइडे वाले दिन ख़रीदा था वो कुछ बहुत सारी चीज़ें अभी तक घर में पहुँची नहीं है। और मैंने नोटिस किया कि बहुत सारी मेरी पिछली वीडियोज़ में मैं ब्लैक फ्राइडे की बजाय बॉक्सिंग डे बोल रही हूँ। किसी ने मुझे करेक्ट भी किया था, पर या ब्लैक फ्राइडे नहीं मेरा मतलब है, एक्चुअल में बॉक्सिंग डे नहीं मैं ब्लैक फ्राइडे कहना चाहती थी। सो या आज भी मैंने कई चीज़ें खरीदी हैं, कपड़े। मैं बहुत ज़्यादा सिंपल टॉप पहनती हूँ, आपको पता ही होगा। आज भी मैंने गैप से बहुत सारे सिंपल किस्म के टॉप ख़रीदे हैं और ये हॉलीडेज़ की वजह से सारी चीज़ें लेट आएंगी। और या वेट करना बहुत मुश्किल लगता है, पर हमें वेट करना पड़ेगा। कल सोने से पहले मैंने मेरे मेकअप ब्रशेस को भी क्लीन किया था। आपको पता है कि मैं मेकअप ब्रशेस को हर हफ्ते या हर 10 डेज में वॉश करती हूँ, तो उनको मैं सबसे पहले अपस्टेयर्स रख के आई हूँ, क्योंकि रात को वॉश करो तो अगले दिन वो रेडी हो जाते हैं यूज़ करने के लिए। किया था जब मैंने मेरे बालों को वॉश किया था तो मैंने हर्बल एसेंस का मॉइस्चराइजिंग मास्क लगाया था। उसके बाद मेरे बालों में से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है एंड बाल हेल्दी भी बहुत फील हो रहे हैं। आई डोंट नो आपको हो रहे हैं या नहीं, पर ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड मॉइस्चराइज्ड फील हो रहे हैं, क्योंकि ब्लीच करने के बाद बहुत ज़्यादा ड्राई अजीब से लग रहे थे। पर या एक ही बार में वो मास्क से फ़र्क पड़ गया, और वो मास्क को ज़्यादा देर लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। नॉर्मल कंडीशनर की बजाय वो यूज़ कर लें और 2-4 मिनट रखें एंड गुड। आप ट्राई करना ज़रूर, वो बहुत अफोर्डेबल भी है, सिर्फ $3-4 में आ जाएगा और आपके बालों को कर देगा अच्छी तरह मॉइस्चराइज्ड। मेरी चाय तैयार होगी। आप चाय पीते समय आवाज़ करते हैं, मैं आवाज़ नहीं करती, मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं, बहुत अनोइंग लगती है समटाइम्स, पर हमेशा नहीं करते, कभी कभी करते हैं। मैं आराम से बैठ के चाय पीने वाली हूँ। या मुझे फूड एंड चाय आराम से पीना अच्छा लगता है, तो मैं आराम से जाके खाती हूँ पीती हूँ। मुझे ये वाला कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मैंने मेरे हस्बैंड को भी इस कलर की कोटी लेके दी है। पर वो गुस्सा आ रहे थे और बोल रहे थे कि क्यों मैंने भी अपने जैसे कपड़े के रंग ले दिए हैं, पर मुझे लगता है कि उन पर अच्छी लगेगी। जब वो पहनेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कैसी लग रही है। या Could have been a painter, could have studied law. Instead, you are my paintbrush, you're my curriculum. Could have been a sailor, could have been an astronaut. Instead, I drive for miles just to get to where you are. I saw you out in Leicester Square, thought about you in the shower. I paid to watch you stand up there and gave you all the power. You say she's a work of art. You pick her up from school, but she blows you off. Don't you know? I gave
माय गॉड है। बहुत ज़्यादा समय हो चुका है कि हमने सखी सहेली सेशन नहीं किया है, और मुझे जिस टॉपिक की सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है वो है टाइम मैनेजमेंट। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं बहुत परफेक्टली मैनेज करती हूँ मेरे टाइम को, बट मैं ट्राई करती हूँ बहुत ज़्यादा चीज़ें करने की। सो मुझे लगता है कि मैं थोड़ी चीज़ें तो आपके साथ शेयर कर सकती हूँ जो आपको हेल्प करेंगी। सबसे पहले ही चीज़ है कि प्लान करें, लाइक एक बहुत बड़ा मास्टर शेड्यूल बना लें महीने का या हफ्ते का, और उसके हिसाब से काम करें। क्योंकि अगर आपके पास कोई प्लान नहीं होगा या आपको पता नहीं है कि आपको क्या करना है, तो आप बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं कि ये करूं या ये करूं। अगर आपको पता है कि आज की दिन की मेरी लिस्ट में ये चीज़ें हैं और मेरी प्रायोरिटी ये है, तो आप वही करेंगे, आप ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे दो दो चीज़ों में। क्योंकि अगर आप सिर्फ अपनी प्रायोरिटी वाला काम करेंगे तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा समय होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ें एक ही समय में करना चाहते हैं, जो कि मेरी प्रॉब्लम है, मैं हर चीज़ हर दिन ख़त्म करना चाहती हूँ, पर ऐसा नहीं होता है। अपने आप को बोझ मत दें, जिस चीज़ की उस दिन ज़रूरत है वही करें। लाइक अगर आप घर की क्लीनिंग एवरी डे करते हैं, तो ऐसे रखें कि महीने में एक दिन आप बहुत ज़्यादा अच्छी तरह क्लीन करेंगे। 3-4 घंटे का टाइम ब्लॉक कर लें क्लीनिंग का, अदरवाइज हर दिन सिर्फ 20 या 25 मिनट दें कि 25 मिनट्स में मैं स्पीड क्लीन करूँगी, देन आई एम डन। उसके बाद आप क्लीनिंग के बारे में सोचेंगे भी नहीं। और इसी तरह आप टू डू लिस्ट बनाएं हर दिन सुबह या रात को सोने से पहले कि आपको आने वाले दिन में क्या करना है। क्योंकि अगर आपके पास लिस्ट तैयार होगी तो अगले दिन आप बहुत ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे सोचने में कि क्या करूं क्या करूं। आपको पता है कि ये वाले टास्क आपको फिनिश करने हैं, अगले दिन फिर आप वही काम करेंगे। और टू डू लिस्ट बनाते हुए कोशिश करें कि उसको बहुत ज़्यादा छोटा रखें। मुझे आदत है कि मैं मेरी लिस्ट को बहुत लंबा कर देती हूँ, 10-15 चीज़ें लिख लेती हूँ, और फिर बहुत बोझ रहता है कि ख़त्म हो जाए। क्योंकि एंड ऑफ द डे जब आप टिक करते हैं तो बहुत सेटिस्फेक्शन होती है। सो कम से कम चीज़ें लिखें, 4-5 लिखें, बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट नहीं बनाएं। अगर आप उसको बांट बांट के रखेंगे कि वेनसडे ये करूँगी मंडे ये करूँगी, तो पूरा हफ्ता डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और काम थोड़े कम हो जाएंगे। दूसरी चीज़ है कि मील प्रेप कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा बोझ हाउसवाइफ्स को या वर्किंग मॉम्स को होता है कि खाना पकाने का, क्योंकि वो बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत समय लगता है क्लीनिंग में कुकिंग में। सो अगर आपके मील प्रेप होंगे तो वो काम बहुत आसान हो जाता है। सो ऐसे कर सकते हैं कि आप हफ्ते में 2-3 मील ऐसे रखें कि आपको उस दिन कुक करने की ज़रूरत नहीं हो। अगर आपने आज कुक किया है तो कुछ एक्स्ट्रा कल के लिए भी हो जाए, कि आप कल कुकिंग से फ्री हो तो उस समय को आप किसी और चीज़ में यूटिलाइज़ कर लें। लाइक मैंने सोचा है कि जिस दिन मैं ऐसे करती हूँ, जिस दिन मैं बहुत ज़्यादा समय क्लीनिंग में स्पेंड करती हूँ, आपको पता है मेरे पास एनर्जी बहुत कम है, कम रहती है पहले के मुकाबले। सो जिस दिन मैं बहुत घंटे क्लीन करती हूँ तो फिर मैं कुक नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि एनी मेरे पास हिम्मत नहीं होती। तो उस दिन हम टेक अवे कर लेते हैं, या हम फ्रीज़र मील खा लेते हैं, या कुछ ऐसा कर लेते हैं कि मुझे कुकिंग की चिंता नहीं हो। कुकिंग की चिंता नहीं हो ना तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि कुकिंग की चिंता बहुत बड़ी चिंता है। और एक बहुत प्यारी टिप है कि अपनी फैमिली से भी थोड़ी हेल्प लें। अगर आपकी फैमिली मेरी तरह है हेल्प करने में, लाइक नहीं ज़्यादा खुश नहीं होती है, फिर भी कोई छोटे मोटे टास्क दें उनको कि अगर वो कर दें तो आपको लगेगा कि यार ये टास्क तो मेरे सर से हट गया। और या बच्चों को भी बचपन से आदत डाल दें, लाइक मैंने हिम्मत को डाली है कि जब मैं डिशवॉशर को खाली करती हूँ तो हिम्मत मेरी हेल्प करता है छोटी छोटी चीज़ें करने में जो उसकी रीच में है, इससे उसकी आदत बन जाएगी। ऐसे ही आप अपने बच्चों की भी हेल्प लें, बॉयज़ गर्ल्स, अगर वो हिम्मत से छोटे हैं वैसे ही टास्क दें। लाइक मैं हिम्मत को कई बार क्या करती हूँ, शाम को सोने से पहले उससे कहती हूँ को नीचे वाला एरिया सारा ऑर्गेनाइज़ कर दे, क्योंकि अगर वो टॉयज़ को ऑर्गेनाइज़ कर देता है तो नीचे इतना क्लीन लगता है, ऐसा लगता है कि मुझे
कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, अदरवाइज सुबह उठ के सारा काम मुझे करना पड़ता है। सो ऐसे आप अपने बच्चों से भी हेल्प लें। अगर आपको ऐसे फील होता है कि आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं और आपको लगता है कि आप काम वाली बाई हैं, तो इस चीज़ को बिल्कुल मत भूलें कि आप जिनके लिए काम करते हैं आप उनको कितना प्यार करते हैं, और आप उनको नरिश करें, उनको प्यार से खिलाएं, उसी का फ़ायदा है। अपने आप को बुरा मत फील कराएं, क्योंकि जिनके लिए आप कुक कर रहे हैं जब वो खा के खुश होते हैं, तो वो फीलिंग को याद करें कि आप जिसको नरिश कर रहे हैं वो आपकी फैमिली है, आपके सबसे ज़्यादा प्यारे हैं, और आप ये सारी चीज़ें खुशी के लिए कर रहे हैं। बोझ लेके चीज़ें मत करें, खुशी से करें, तो एक अलग से एनर्जी आ जाती है आप में अगर आप हैप्पीनेस से करते हैं। और एक और चीज़ है कि टाइम मैनेजमेंट में मल्टीटास्क करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मल्टीटास्क करते हैं तो बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ जाता है, और हर चीज़, कोई भी चीज़ परफेक्शन से नहीं होती है। अगर आप मल्टीटास्क कर सकते हैं तो वेरी गुड। वो है, ये हो सकता है कि जब आप सब्जी कुक कर रहे हैं तो डिशेज वॉश कर लो, या अगर कोई दिमाग वाला काम है तो मल्टीटास्क करने की ज़रूरत नहीं है, एक टास्क को फिनिश करके दूसरा टास्क पकड़ें ताकि जल्दी हो और अच्छी तरह हो। ये नहीं कि अधा अधूरा ये हुआ अधा अधूरा वो, और आपके दिमाग पे बोझ है कि दोनों चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई। इसलिए मल्टीटास्क की चिंता मत करें, और रात को रैप अप करते समय ज़्यादा से ज़्यादा टास्क ऐसे कर लें जो आपको सुबह उठ के हैप्पीनेस दें। लाइक अगर आपकी किचन क्लीन हो तो आप ज़्यादा प्रोडक्टिवली अगले दिन की शुरुआत कर सकते हैं। 10-20 मिनट्स एक्स्ट्रा दें, लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि लिविंग रूम हम कोशिश करते हैं कि क्लीन करके अपस्टेयर्स आएँ। ऐसे मुझे सुबह जब मैं नीचे जाती हूँ तो लगता है कि यार मेरा दिन अच्छा शुरू हो गया है, और दैट्स इट। ये इसके बारे में हम फ्यूचर में और एलैबोरेट करके बातें करेंगे। आई होप ये टिप्स आपको हेल्प करेंगी, इनको यूज़ करिएगा, एंड दैट्स इट। ऑलराइट, सो इस व्लॉग को एडिट करते हुए मैंने देखा कि उस दिन मैंने आउटडोर शूटिंग की थी, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं पूरा व्लॉग कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी। और डिनर मैंने कुक नहीं किया था, हस्बैंड ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, देन या सो एक दो घंटे सोने के बाद मैं थोड़ा अच्छा फील करना शुरू हो गई। देन मैंने आके पिज़्ज़ा खाया, नॉट आके, हस्बैंड मेरे लिए पिज़्ज़ा अपस्टेयर्स लेके आए थे, पिज़्ज़ा खाया, और उसके बाद मैंने मेरा रेस्ट ऑफ द व्लॉग को एडिट करके अपलोड कर दिया था, और मैंने आई थिंक किचन को भी क्लीन कर दिया था, पर मैंने वीडियो शूट नहीं की। सो या आज के व्लॉग के लिए बस यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपने आज के व्लॉग को इन्जॉय किया होगा, अगर किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मैं मिलूंगी आपको कल नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर, स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग, यू गाइस कैन डू एनी फ्रिकिंग थिंग, ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन, दैट्स इट, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, दैट्स इट, बाय। Celebrate.